नमस्कार, न्यूज फोर नेशन पर हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं 2400 सीट पर। आपको बता दें कि उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं अनंत सिंह के खासम खास को आरजेडी ने राजधानी पटना से जिस तरीके से टिकट दिया है, लालू यादव ने खुद इसकी घोषणा की थी कि राजधानी पटना से उम्मीदवार होंगे कार्तिकेय सिंह। और अनंत सिंह ने भी कार्तिकेय सिंह के लिए कहा था कि जो कार्तिकेय सिंह है वही बिहार विधान परिषद के चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह ने इस बात को कहा था और अब लगातार चुनाव जो जिस तरीके से होना है तो कार्तिकेय सिंह हर जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज अनंत सिंह के गढ़ में पहुंचे कार्तिकेय सिंह और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के हनुमान जो भोला यादव हैं वो उनके साथ अनंत सिंह के गढ़ में पहुंचे और वहां पर जो कार्तिकेय सिंह हैं उनके लिए जो बिहार विधान परिषद के चुनाव हैं उन तमाम बातों को लेकर वहां पर वहां के जो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं उन तमाम लोगों से जाकर मुलाकात की। आपको बता दें कि वहां जाकर जिस तरीके से तमाम जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक तरफ भोला यादव मौजूद हैं और तमाम वहां पर जो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां मौजूद हैं और तमाम जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह की बात करें तो वो भी वहां मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव का अब तिथि की घोषणा कर दी गई है तो अब हर सीट पर आरजेडी के या जेडीयू के फिलहाल कई सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आरजेडी के सभी सीटों पर ऐलान हो चुका है। 2400 सीट पर 23 सीट पर आरजेडी, एक सीट जो है वो लेफ्ट को दिया है। लेकिन जिस तरीके से टक्कर की बात करें तो लगातार धुआंधार जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह और वहां हर क्षेत्र में जाकर कई ऐसे तस्वीरें आपने देखी जहां पर वो पहले मनेर में पहुंचे थे जहां पर जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र थे उनके साथ, कई ऐसी तस्वीरें और भी निकलकर सामने आई है जहां जो कार्तिकेय सिंह है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। और आज अनंत सिंह के गढ़ में लालू यादव के हनुमान पहुंचे और कार्तिकेय सिंह के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया, साथ ही साथ तमाम लोगों से ये अपील की कि जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको ही समर्थन दिया जाए, इनको चुनाव जिताया जाए, इस तरीके की जो बातें हैं लोगों से मिलजुल कर की जा रही थी। और आपको बता दें कि ये जो कार्तिकेय सिंह है अनंत सिंह के खासम खास हैं। जब चुनाव किया ऐलान हुआ था उस वक्त सबसे पहला ऐलान कार्तिकेय सिंह का किया गया था लालू यादव की तरफ से, जब लालू यादव जेल नहीं गए थे उस वक्त राजधानी पटना में मौजूद थे, उसी वक्त उन्होंने यह ऐलान खुद किया था कि कार्तिकेय सिंह जो है वो पटना से उम्मीदवार होंगे। जब लालू यादव जेल से जाने से पहले उनके बारे में ऐलान कर चुके थे कि यहां राजधानी पटना में, हालांकि जिस तरीके से बात करें तो रीतलाल यादव की वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रचार में लगे हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार बाजी मारता कौन है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी चुनाव में जा जाकर जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और जो वोटिंग देने वाले जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि अब देखना यह है कि आखिरकार राजधानी पटना में किसका जलवा चलेगा, कौन जीतेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव के जो हनुमान हैं वो पहुंच गए हैं जहां अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां जाकर कार्तिकेय सिंह के लिए जो है उन तमाम वोटरों से अपील कर रहे हैं। छोड़े जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद के आम दल एवं राजद के साधक साझा उम्मीदवार श्री कार्तिकेय कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल संगठन के संगठन जिला अध्यक्ष श्री महेश सिंह यादव के सभा के संचालन कर रहे हैं।